यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार वापस लौट आए हैं, क्योंकि वो गए थे परिवहन मंत्रियों के कॉन्फ्रेंस में। तमाम जानकारियां उन्होंने दिल्ली में दी हैं। कृष्ण पवार ने कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी है। गुवाहाटी में ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसमें पहुंचे हुए थे कृष्णलाल पवार, और उसके बाद अब लौटे हैं। और इसमें जो जानकारी उनके द्वारा दी गई है उसमें ये कि कॉन्फ्रेंस में कई प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब पूरे देश में प्राइवेट बसों से सिर्फ एक टैक्स लिया जाएगा, और जो प्राइवेट बसों के संचालक हैं उनको ज़रूर राहत मिल सकती है। राज्यों में नहीं देना होगा अब अलग अलग टैक्स, एक ही टैक्स होगा। आप कह सकते हैं जैसे कि GST में एक टैक्स देना होता है, वैसे इसमें भी अब एक टैक्स देना होगा। इसके अलावा और भी ज़्यादा जानकारियाँ मिली हैं परिवहन मंत्री से ही। और अब जो है, जो तमाम जो परिवहन मंत्री इकट्ठा हुए थे, कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, उन्होंने अपने अपने जो राज्य हैं वहाँ की परिवहन जो व्यवस्था है उसके बारे में भी एक दूसरे से साझा की है बातें। और उसी की तर्ज पर जो है अब जाकर केंद्र सरकार को कई प्रस्ताव इस कॉन्फ्रेंस के बाद भेजे गए हैं, और कई प्रस्ताव पास भी हुए हैं, कई पर सहमति बनी है। और अपनी तरफ से भी, हरियाणा की तरफ से भी ज़रूर जो है कृष्ण पवार ने तमाम जो बातें हैं, समस्याएँ हैं, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में रखी होंगी। मीटिंग में हिस्सा लिया था। तो इसके अलावा मेन जो एक समस्या थी, पूरे देश के अंदर जो बसेज हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स थे, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आह्वान है समान विकास, तो इसी प्रकार से हर चीज़ समान ही होनी चाहिए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने कमेटी ने फैसला किया है कि पूरे हिंदुस्तान में जो प्राइवेट जो बस हैं जो चलते हैं सेम उनका टैक्स होना चाहिए। हमने सर्वसम्मति से रिकमेंडेशन देकर के भारत सरकार, नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनके पास हमने भेजने का काम किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल मोर खबरें तक संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। अनिल, किस तरह से जो है आने वाले समय में जो ये प्रस्ताव भेजे गए हैं केंद्र सरकार को, जो परिवहन व्यवस्था है वो बदल सकती है हरियाणा में, खासकर बात करें तो? देखिए, गुवाहाटी में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस जिसमें तमाम राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने शिरकत की, और उस बैठक की अगर बात करें 2 मुख्य एजेंडा को लेकर हमें बातचीत हुई और जो प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया। एक एजेंडा यही था कि जो तमाम राज्य, तमाम राज्यों में जितने भी प्राइवेट बस चलते हैं, फिलहाल तमाम राज्यों में जो टैक्स देना होता है प्राइवेट बस मालिकों को, वो सब राज्यों में अलग अलग है। जब GST लग चुका तो ऐसे में बात ये रखी गई थी, जब GST पूरे देश में लागू हो चुका तो तमाम राज्यों में जो बसों में जो अंतर है, जो टैक्स का अंतर है, ये एक समान होना चाहिए। यानी तमाम राज्यों में अगर आपको प्राइवेट बस चलानी है तो टैक्स एक समान देना होगा। इसके लिए बकायदा एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को परिवहन मंत्रालय को भेजा गया। इसके अलावा एक बात उचित तो यहाँ पे की गई है, जो ओवरलोड वाहन है, ओवरलोड वाहनों की वजह से कोई भी राज्य की अगर बात करें, तमाम राज्यों को नुकसान उठाना पड़ता था। हम बात करें सड़कों का नुकसान की बात करें, पैसे के नुकसान की बात करें, तमाम तरह का नुकसान वहां पर राज्यों को उठाना पड़ता था। ऐसे में इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि जो 1980 की जो ओवरलोडिंग की जो नीति थी, उस नीति में अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ऐसे में केंद्र सरकार को सिफारिश की गई कि जो ओवरलोड वाहन है उनमें जो सामान डाला जाता है, जो वेट होता है, उस वेट को एक्स्ट्रा किया जाए और जो वेट बढ़ाया जाता है फिर उसके अनुरूप वहाँ पे पैसा एक्स्ट्रा बस मालिकों से या ट्रक चालकों से लिया जाए। ये भी यहाँ पे पारित किया गया और ये भी संकेत दिया गया, उदाहरण के तौर पे जिन वाहन चालकों को 9 टन सामान की परमिशन होती है, आने वाले दिनों में उस परमिशन को 13 टन तक किया जा सकता है। यानी जो ओवरलोड वाहन है उनको भी एक तरीके से राहत यहाँ पे दी जा सकती है। और इसके अलावा अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि पूरे देश में प्राइवेट बसों से सिर्फ एक टैक्स लिया जाएगा, अगर जानना चाहेंगे कि इससे किसको फायदा किसको नुकसान हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, तमाम राज्यों की अगर बात करें, तमाम राज्यों में जितने भी प्राइवेट बस ऑपरेटर है, तमाम राज्यों में अगर आपको प्राइवेट बस चलानी है तो उसके लिए बकायदा आपको टैक्स देना होता है, एक प्राइवेट परमिट आपको लेना होता है, और जो प्राइवेट परमिट होता है जो टैक्स होता है उसकी अलग अलग चीज होती है। और जो ऐसे में जो प्राइवेट बस ऑपरेटर की हमेशा ही मांग रहती है कि जब GST अब लागू हो चुकी है तो तमाम राज्यों में एक समान जो रेट है, जो परमिट के रेट है, जो टैक्स के रेट है, जो स्लैब है, वो एक समान होना चाहिए। अब ये फैसला इस बैठक में लिया गया, बकायदा एक रेजुलेशन यहाँ पे पारित किया गया, बकायदा उस रेजुलेशन को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा गया है। और कहीं ना कहीं अगर एक समान जब बसों का टैक्स होगा तो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए भी राहत भरी खबर हो सकती है। यानी अनिल, अगर इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है केंद्र सरकार की ओर से तो एक टैक्स हो जाएगा सभी राज्यों में प्राइवेट बसों के लिए?
हाँ बिल्कुल, देखिए जब टैक्स एक समान हो जाएगा, हालांकि अभी भी कई राज्यों में जो पेट्रोल डीजल के रेट है वो अलग अलग है, लेकिन टैक्स एक समान होने से कहना है कि जो किराया यात्रियों को देना होता है जो प्रति किलोमीटर की दर के हिसाब से तय किया जाता है कि किराया कितना होगा, अगर टैक्स एक समान होगा तो कहीं ना कहीं जो किराए की जो राशि होती है उसमें भी कहीं ना कहीं एक समानता आने की उम्मीद है। शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी विस्तार से आपने दी है। तो जो प्राइवेट बस संचालक हैं उनको राहत मिल सकती है आने वाले समय में अगर केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है। इसके अलावा ओवरलोडेड जो वाहन होते थे, जो ट्रकों के मालिक होते थे, उनको भी राहत मिल सकती है, क्योंकि 9 से 13 टन जो है ओवरलोडेड वाहन की जो आंकड़ा है वो हो सकता है आने वाले समय में।